उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पेश होने के बाद ही इस पर बहस जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश से आ रही खबर के मुताबिक यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून के भीतर विधायकों को लाया जाएगा तो भाजपा के ही आधे विधायकों की विधायकी चली जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के प्रावधानों को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी लागू कर दिया जाए तो खुद बीजेपी के ही 50% विधायक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर कुल 397 विधायकों की प्रोफाइल अपलोड है। इनमें 304 विधायक बीजेपी के हैं। इनके प्रोफाइल बताते हैं कि 152 यानी बिल्कुल आधे विधायकों को 2 से ज्यादा बच्चे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने वाले गोरखपुर से लोकसभा सांसद रवि किशन खुद 4 बच्चों के पिता हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर जारी अपने मसौदा विधेयक में 2 बच्चों से अधिक के माता पिता को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आवेदन देने और सरकारी सब्सिडी पाने के अधिकार से वंचित करने का प्रावधान किया है। उधर देश भर में जनसंख्या नियंत्रण के मकसद से संसद में लाए गए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2019 में भी 2-2 बच्चों की नीति को ही सरकारी सुविधाओं का आधार बनाया गया है। यानी 2 बच्चों से ज्यादा के माता पिता हैं तो कानून लागू होने पर सरकारी नौकरी और सब्सिडी पाने के आयुक्त हो जाएंगे। लोकसभा की वेबसाइट कहती है कि 186 सांसद इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। इनमें 105 सांसद बीजेपी के हैं जिन्हें 2 से ज्यादा बच्चे हैं। ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की मसौदा नीति आने के बाद से ही एक दिन भी ऐसा नहीं बीत रहा है जब इसकी चर्चा ना हुई हो। यूं ही देश में जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा काफी पहले से गंभीर शक्ल अख्तियार कर चुका है, लेकिन जब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस दिशा में पहल की तो राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग फिर से जोर पकड़ गई है। इस बीच आंकड़ेबाजी का खेल भी चलने लगा है। एक्सपर्ट्स देश के संसाधनों और आबादी के अनुपात की तुलना दुनिया के अन्य देशों के अनुपात से कर रहे हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण के विरोध में उतरे लोग भी अपने अपने तर्क दे रहे हैं। आप देख रहे थे दादस्तक 24 की रिपोर्ट।